अभी लोग डॉक्टर हाथी की मौत से उभरे नहीं थे कि एक और बुरी खबर आ रही है, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। 12 जुलाई को सुबह तड़के एक और मशहूर हस्ती के निधन की खबर ने लोगों को सदमे में डाल दिया है। 99 साल की उम्र में आध्यात्मिक गुरुवार दादा वासवानी का निधन हो गया है। गुरुवार को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन के बाद देश में हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। दादा वासवानी साधु वासवानी मिशन के प्रमुख थे। उन्होंने 150 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। दुनिया भर में वे शाकाहार और पशु अधिकारों को बढ़ावा देने व गैर सांप्रदायिक आध्यात्मिक के रूप में पहचाने जाते थे। उनका दो जन्म 1918 को हुआ था। उनका पूरा नाम जशन पहलराज वासवानी था। वह जिस संस्था के प्रमुख थे, उस संस्था के देश भर में कई केंद्र हैं। पुणे स्थित मिशन मुख्यालय में उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा।